don't want to party. Little wink, leopard skirt, myself, don't hurt the bird, but the signals you send. जी तो सर बताएं अपनी बाइक के बारे में। यार ये बाइक जो है GS150 SE मॉडल है और ये 2019 मॉडल है। जब ये 2019 में मैंने लिया था तो उस टाइम पे काफ़ी मेरे पास ऑप्शन थे, होंडा का भी था, YBR का भी मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन जितने मैंने रिव्यूज़ देखे थे उनको मद्देनज़र रखते हुए और जितनी मेरी अपनी रिसर्च थी बाइक्स के बारे में, क्योंकि ये मेरा जो पर्पज़ था मेनली ये टूरिंग के बारे में था कि इस पर टूर्स किए जाएँ, जिस पर अभी तक मैंने 2-3-4 बड़े टूर्स किए भी हैं। YBR वगैरह के ये था कि वो 125 में आते हैं, मतलब उसका इंजन छोटा है, कंफर्ट वगैरह नो डाउट उनमें शायद ज़्यादा है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस उनके साथ नहीं हुआ, लेकिन ये एक रफ एंड टफ बाइक है। अभी तक मैं आपको बताऊँ कि इसका मैंने अभी तक तो कोई फ़िलहाल काम करवाया नहीं है कि जिसको रूटीन से हट के मैंने कोई काम इसका फ़िलहाल नहीं करवाया। अच्छा ये बताएं कि आपने अभी तक इसको चलाया कितना है, कितने किलोमीटर ये चल गया? यार पल के आप इतराए ना, ये इसका मीटर है 27,818 ये अभी तक चल चुका है और ये 0 मीटर बाइक लिया था मैंने, अभी तक इसमें मैंने कोई काम नहीं करवाया। हाँ ये चीज़ें हैं कि जैसे ब्रेक के जो लेदर्स हैं वो चेंज करवाए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, और प्लग इसका अभी तक ओरिजिनल है, वही प्लग चल रहा है, कार्बोरेटर आज तक कभी नहीं खुलवाया क्योंकि सुनने में आया था, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया भी था कि कार्बोरेटर अगर इसका खुलवाएंगे तो इसकी एवरेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एवरेज फ्यूल एवरेज जो है इसकी अमेजिंग है, क्लियरली बता रहा हूँ, मैंने बाइक बेचना नहीं है ना, मुझे सुजुकी वालों ने प्रमोट करने के लिए कुछ कहा हुआ है। इसकी जो एवरेज है, मेरा ऑफिस गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में है, DHA फेज 2 में रहता हूँ, वहाँ से यहाँ का सफ़र जो तकरीबन 13 किलोमीटर का बनता है और इस 13 किलोमीटर में आने जाना मतलब मेरा तकरीबन 26-28 किलोमीटर सफ़र बन जाता है, और ये जो एवरेज मुझे देता है हाईवे पे, क्योंकि ऑलमोस्ट हाईवे है, PWD का पैच थोड़ा सा ख़राब है, वहाँ पे ये कम से कम मुझे 47 और मैक्सिमम जो है 53 की एवरेज देता है। टैंकी फुल करवाता हूँ उसका भी कभी, मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि इसकी एवरेज किस तरह से मैं चेक करता हूँ, किस तरह से इसकी एवरेज मैं लेता हूँ, और जो ड्राइविंग है वो ऑलमोस्ट 40-50-55-60, इससे ज़्यादा मैं स्पीड नहीं इस पर चलाता हूँ क्योंकि एक तो रश हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा अगर इसके कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो मेरे हिसाब से, क्योंकि इंजन में पावर इतनी ज़्यादा है कि इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, और बड़ा अच्छा इसको मैं ड्राइव करता हूँ, मैं यूज़ टू भी हो गया हूँ। इसके अलावा YBR कुछ अर्सा मैंने दोस्त का था वो चलाया था, लेकिन शायद उसका इंजन इतना 150 के हिसाब से छोटा है तो मुझे थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती है। नो डाउट कि उसकी जो सीट है या बॉडी पोस्चर आपका उसके बैठने के बाद काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा अच्छा ये बताएं, अगर कोई दोस्त आपसे पूछे कि मैं YBR लूं या ये वाली बाइक लूं सुजुकी की, तो आपको उसको क्या मशवरा देंगे? यार देखिए, मैंने भी यही, मेरे पास सवाल थे माइंड में जब मैं बाइक ले रहा था, तो मैंने उस टाइम पे भी यही सोचा था, और जो अगर कोई दोस्त वीडियो देख रहे हैं या कोई मेरे दोस्त पूछते हैं तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको एक रफ एंड टफ बाइक चाहिए, इसको आपने बदतमीज़ों की तरह चलाना है, मतलब ये कि जैसे आप बिल्कुल रफ ड्राइव करना चाहते हैं, आप इतनी ज़्यादा बाइक से केयर भी नहीं करते, तो आपके लिए मेरे ख्याल में GS150 बेस्ट बाइक है। और अगर YBR की बात करते हैं तो YBR वगैरह में एक तो उसके बॉडी पार्ट्स महंगे मिलते बहुत, अब तो शायद मिलने लगे लेकिन महंगे हैं GS की नस्बत, उसके अलावा इंजन उसका छोटा है, टूरिंग पे आपको इतना ख़ास मज़ा नहीं आएगा अगर आप हिली एरिया में जाते हैं, यहाँ पे आपको 150 जो है वो रफ एंड टफ होता है और एवरेज अच्छी देगा। कंफर्ट शायद मैं कंफर्ट YBR की ज़्यादा कहूँगा, लेकिन GS की शायद थोड़ी सी कम्फर्ट उससे कम। अच्छा थैंक यू सो मच मुजम्मिल भाई, आपका शुक्रिया।